Hi friends, great morning and thank you very much for watching this video. Specially video आपके लिए बनाया गया है because बहुत सारे लोग आज घर बैठे हुए हैं और morning में बहुत सारे लोगों को शायद late उठने का आदत हो चुका होगा और इसी के लिए हम कुछ refining process जो breathing process आपको मैं बताने जा रहा हूँ. ये अगर process आपने किया तो मेरी guarantee है कि आपको अपने life में कभी भी health issues नहीं आ सकते हैं. अगर आपके बीच में कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो ये सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं. मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रोसेस, ये मैं खुद पिछले ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ज्यादा समय हो चुका है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ. एंड ये जो प्रोसेस है ये एस एन तावरिया जी इन्होंने बनाया गया प्रोसेस है और ये अपने जिंदगी के मोर देन 80 ईयर्स से ज्यादा समय इन्होंने अपने आप को इसको बनाने के लिए डाला हुआ है. तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कितने पावरफुल प्रोसेस है. यानी आप 2 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जिम में जाके एक्सरसाइज करोगे उसके बाद जो आपको एनर्जी और स्टैमिना मिलेगा वो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर आपको मिल सकता है और आपके हेल्थ के सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं. ऐसी एक्सरसाइज है, चलिए मैं आपको एक एक करके ये एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ. पहले हम 5 रिफाइनिंग प्रोसेस करने वाले हैं. रिफाइनिंग प्रोसेस मतलब हम अंदर से अपने आप को क्लीन करने वाले. जैसे हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं या शावर लेते हैं तो बाहर से हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं मगर अंदर से अपने आप को क्लीन नहीं कर रहे हैं. इसी के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस है. ये 6 रिफाइनिंग प्रोसेस है, एक एक मिनट की ये प्रोसेस होगी. ऐसे 6 मिनट का ये प्रोसेस होगा. उसके बाद 3 SRP होगी यानी 3 स्टेप रिदमिंग प्रोसेस. ये 5 मिनट का होगा. ऐसे टोटल 11 मिनट्स अगर आप अपने आप को सुबह मॉर्निंग में देते हैं तो पूरे दिन भर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रह सकते हैं और आप अपने हेल्थ को बेहतर तरीके से मेंटेन रख सकते हैं. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ये तीनों लेवल पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं. तो चलिए पहला एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं. तो आपको अपने दोनों हाथ जो है वो अपने चेस्ट पर रखने हैं, अपने चेस्ट पर रखने हैं और 1 मिनट के अंदर 36 सांसें लेनी है. म्यूजिक के साथ, रिदमिंग रिदम के साथ आपको ये प्रोसेस करना शुरू करना है. चलिए मैं म्यूजिक लगाता हूँ, उसके साथ हम करने जा रहे हैं. Music for refining exercises. 10 सेकंड्स आपको साइलेंस में बैठना है और इसे महसूस करना है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है. फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 जहां पर आपके दोनों हाथ, जैसे पहले दोनों हाथ चेस्ट पर थे अभी दोनों हाथ स्टमक पर रहेंगे. आपके दोनों हाथ स्टमक पर रखने के बाद 1 मिनट के अंदर सेम प्रोसेस करना है. 36 सांसें लेनी है. जैसे आप सांस लेंगे तो आपका स्टमक और चेस्ट दोनों बाहर की तरफ आएगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका स्टमक और चेस्ट अंदर की तरफ जाएगा. तो आपको स्टमक को थोड़ा सा पुश करना है, इस तरीके से पुश करना है, अंदर पुश करना है, आपके नाभि के यहाँ से पुश करना है. थोड़ा थोड़ा दर्द होगा आपको आपके नाभि के यहाँ पर. सो ये 1 मिनट के अंदर 36 सांसें लेनी है और ये सेम प्रोसेस करना है. चलिए पोजिशन लीजिए, अपने दोनों हाथ स्टमक पे रखिए, नाभि के यहाँ पर रखिए और जब आप सांस लोगे तो आपका चेस्ट और स्टमक जो है वो बाहर की तरफ आएगा और सांस छोड़ेंगे तो आपका स्टमक और चेस्ट अंदर की तरफ जाएगा. चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 हम करने जा रहे हैं. पोजीशन लीजिए. One, two, three, five, six, one, two, three, five, six, one, two, three, five, six.
आंखें बंद करके 10 सेकेंड्स के लिए महसूस करना है कि आपकी नाभि की यहां पर क्या हो रहा है, आपके पूरे शरीर में क्या हो रहा है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की ओर। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपका पोजीशन जो है वो आपको इस तरीके से बैठना है कि आपके दोनों जो पैर है वो सामने फ्रंट की ओर आएंगे। एग्जांपल, जैसे कि आपको इस तरीके से बैठना है और आपके दोनों जो हाथ है वो आपके अंगूठों को पकड़ना है, और जिनके अंगूठों की तरफ हाथ नहीं जा रहा है वो जहां पर भी पोजिशन जहां पर भी जा सकता है वहां पर आपको ऐसे फिट पकड़ना है, और आपका जो बैक है बैक वो आपको स्ट्रेट रखना है। इस तरीके से आपका जो चेहरा है वो सामने रखना है फ्रंट में, और हमें 1 मिनट के अंदर 36 सांसें लेनी है। सो अब ये जो प्रोसेस है हम करने जा रहे हैं, तो आपका पोजीशन ले लीजिए और हम अब एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3। सो आपके दोनों हाथ सामने अंगूठों को पकड़ के, दोनों पैर जो घुटने हैं वो जमीन को टिके हुए हैं। 10 सेकेंड्स के लिए आपको महसूस करना है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है। राइट, सो अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब जो एक्सरसाइज 4 है इसमें हमें 1, 2, 3, 4 पर सांस लेनी है और 5 पर पूरी तरह से फोर्सफुली सांस को बाहर निकालना है। जैसे आप एक केक कटिंग करते वक्त जब आज आपके कैंडल लगे होते हैं उस कैंडल को जैसे आप बुझाते एक ही झटके के अंदर, वैसे फोर्सफुली आपका जो फोर्स है वो बाहर आना चाहिए मुंह से, ना कि नाक से, मुंह से आना चाहिए। राइट, एग्जाम्पल, इस तरीके से आपका फोर्स आना चाहिए। चलिए हम इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव आउट, 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 वन टू थ्री फोर फाइव आउट। अब 10 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस कीजिए कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है।
श्वास लियो। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 जहां पर आपको सेम प्रोसेस करना है, 1 मिनट का प्रोसेस है, मगर यहां पर धीरे से सांस लेनी है, फिर सांस को रोक के रखना है, फिर सांस को छोड़ना है, फिर सांस को रोकना है। इस तरीके से हम ये प्रोसेस को करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहे हैं। म्यूजिक के साथ आपको करना है। श्वास रोको, श्वास छोड़ो, श्वास पार रोको, श्वास लियो, श्वास रोको, श्वास छोड़ो, श्वास पार रोको, श्वास लियो, श्वास रोको, श्वास छोड़ो, श्वास पार रोको। महसूस करना है कि आपके शरीर के अंदर चेस्ट के पोर्शन के वहां पर या स्टमक में या ब्रेन में क्या महसूस हो रहा है। अब हम एक्सरसाइज 6 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक गहरी सांस लेनी है। सांस लेने के बाद आपके नोज को, नाक को बंद करना है और चिन को चेस्ट के यहां पर लॉक करना है इस तरीके से, और मुंह के अंदर सलाइवा इकट्ठा करना है, थूम को इकट्ठा करना है, और 1-5 स्टेप में उस सलाइवा को आपको पीना है। जैसे पानी पीते हैं वैसे आपको अंदर पीना है। तो एक्सरसाइज नंबर 6 को हम करने जा रहे हैं। पहला ऊंडो श्वास लियो। हवे हाथ नी आंगळीઓ વડે નાક ને બંધ કરો, દાઢી ને છાતી સાથે દબાવો, હવે મોઢામાં થૂંક ને ભેગું થવા દઈને જેમ પાણી પીતા હોય એમ ગળામાં ઘૂંટડા ઉતારો, 1-2-3-4-5 મોઢું ઉપર કરો, શ્વાસ છોડી ઊંડો શ્વાસ લ્યો, આંગળીઓ વડે નાકને બંધ કરો, દાઢીને છાતી સાથે દબાવો, મોઢામાં થૂંકને ભેગું થવા દઈને પાણી પીતા હોય એમ ગળામાં ઘૂંટડા ઉતારો, 1-2-3-4-5 મોઢું ઉપર કરો, શ્વાસ છોડી ઊંડો શ્વાસ લ્યો, આંગળીઓ વડે નાક ને બંધ કરો, દાઢી ને છાતી સાથે દબાવો, મોઢામાં થૂંક ને ભેગું થવા દઈને પાણી પીતા હોય એમ ગળામાં ઘૂંટડા ઉતારો, 1-2-3-4-5 મોઢું ઉપર કરો, શ્વાસ છોડી के लिए अपने आंखें बंद करके महसूस करना है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, आपके थ्रोट्स के यहां पर क्या महसूस हो रहा है। थैंक यू। सो यहां पर हमने 6 एक्सरसाइज किए। ये रिफाइनिंग एक्सरसाइज है जो बॉडी को रिफाइन करने का काम करता है। जो पहला एक्सरसाइज हमने देखा जहां पर हम चेस्ट पर हाथ रखते हुए 1 मिनट के अंदर 36 सांसें लिए थे, इसे आपके हार्ट के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो भी बाईपास सर्जरी करना पड़ता है, या हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। और जिसे आपका अस्थमा का प्रॉब्लम या बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो होता है, वो ये सारे प्रॉब्लम्स इस ब्रीदिंग प्रोसेस से सॉल्व हो सकते हैं। सेकेंड जो एक्सरसाइज हमने देखा जहाँ पर हम पेट पे
हाथ रखते हुए एक मिनट के अंदर 36 सांसें लिए। इस एक्सरसाइज से आपके स्टमक के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे डाइजेस्ट सिस्टम्स का प्रॉब्लम या लीवर का प्रॉब्लम्स या बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स ये एक्सरसाइज से सॉल्व होते हैं। तीसरा जो एक्सरसाइज हमने देखा कि जहां पर हमने दोनों पैर आगे रखते हुए अपने दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ा और एक मिनट के अंदर 36 सांसें ली, इस प्रोसेस से आपका जो बैक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को बैक प्रॉब्लम होता है या घुटनों में दर्द होता है, तो ये सारा प्रॉब्लम जो है इस एक्सरसाइज से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज देखा, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पर हमने फोर्सफुली सांस को बाहर निकाला। इसे आपके ब्रेन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या मेमोरी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स इस टेक्निक से सॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने जो प्रोसेस किया उसमें हमने 5 सेकेंड के अंदर सांस लिया, 5 सेकेंड सांस को होल्ड करके रखा, फिर 5 सेकेंड सांस को छोड़ा, फिर 5 सेकेंड होल्ड करके रखा, ऐसे 3 बार हमने ये प्रोसेस किया एक मिनट के अंदर। इस एक्सरसाइज से आपका इंटायर जो सिस्टम है वो बैलेंस होना शुरू होता है, आपका बॉडी और माइंड अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद हमने देखा लास्ट एक्सरसाइज जो था, हमने सांस लिया, पूरी तरह से नाक को बंद कर दिया, चिन को चेस्ट के यहाँ पर लॉक कर दिया, सलाइवा इकट्ठा किया और वो सलाइवा हमने पी लिया। इसे जो थ्रोट का प्रॉब्लम है, आवाज का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, आपका आवाज बहुत ही बेहतर हो सकता है। जिनका आवाज का प्रॉब्लम होता है, जो आवाज बेहतर नहीं होता है, उसकी आवाज की क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो ये एक्सरसाइज करने से उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है। जो टीचिंग फील्ड में है या जिनका ज्यादा बोलने का काम होता है या जिनका कन्विंस करने का काम होता है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। तो ये 6 एक्सरसाइज हमने यहाँ पर देखी, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग एक्सरसाइज। अब जो 5 मिनट का एक्सरसाइज है वो है 3-स्टेप रिदमिंग प्रोसेस। यहाँ पर आप नेचर के साथ अलाइनमेंट हो जाएंगे। इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा अगर अर्थ के ऊपर कोई है तो वह वाटर, पानी है, और पानी का एक रिदम होता है, दैट इज 1, 2, 3, 5, 6, यानी 1, 2, 3 पर लहर ऊपर आती है, 5, 6 पर लहर नीचे उतरती है। तो ये रिदम जो है, ये नेचर का रिदम है, यूनिवर्स का रिदम है, और वही रिदम अगर हम मैच करेंगे, ब्रीदिंग को मैच करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे। और इसी के लिए 5 मिनट्स का ये रिदमिंग प्रोसेस है। ऐसे टोटल 11 मिनट्स अगर आप अपने आप को हर दिन सुबह देते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आप पूरी तरीके से फिट और हेल्दी रह सकते हैं। तो चलिए, इस एक्सरसाइज को आप चाहे तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं या लेट कर भी कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप बैठ के करिए, यानी कि आपका एक हाथ चेस्ट पर रहेगा, एक हाथ स्टमक पर रहेगा। और जब आप इस तरीके से करोगे तो 1, 2, 3 पर आपके चेस्ट और स्टमक जो है वो बाहर की तरफ आएंगे, और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो चेस्ट और स्टमक अंदर की तरफ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट करके बताने वाला हूँ, बाकी प्रोसेस जो है वो आप खुद कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। चलिए इस प्रोसेस को हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो म्यूजिक है वो आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। Thank you.
आपको ये जो वीडियो बनाने का पर्पस मेरा एक ही है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए कि एक्सरसाइज कैसे करना है, आपका पोजीशन कैसे होना चाहिए, इसी के लिए आपको ये वीडियो बना के मैं भेज रहा हूँ। कुछ दिन आप इस वीडियो को देख कर करिए, मगर मुझे गारंटी है कि आपको 2-3 दिन के बाद आपको ये रिदम पता चलेगा, आपको प्रोसेस पता चलेगी, फिर आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो मैं ये म्यूजिक भेज रहा हूँ, ये 6 रिफाइनिंग प्रोसेस और 3 SRB, ऐसे टोटल 11 मिनट का ये जो प्रोसेस है, इसका मैं म्यूजिक आपको भेज रहा हूँ उसके वीडियो के साथ में। आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन के अंदर म्यूजिक बजाइए और म्यूजिक के साथ ये प्रोसेस करिए, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर ये 2-3 दिन आपको वीडियो देखने की जरूरत होगी, जब तक आप इसके अंदर सही तरीके से नहीं कर रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये करते वक्त आप जरूर अपने फैन या फिर AC बंद रख सकते हैं, जिससे पसीना भी आएगा तो अच्छा है, बिकॉज बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और ये एक अच्छा प्रोसेस है। आप 11 मिनट अपने आप को हर दिन दीजिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो ये 11 मिनट का एक्सरसाइज आप पूरे दिन आपको फिट रख सकता है, हेल्दी रख सकता है, एनर्जेटिक रख सकता है और आप फिजिकली मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। सो मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा और SM तावरिया जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना सारा रिसर्च करके ये प्रोसेस को बनाया और दुनिया की सबसे बेहतर ये रिफाइनिंग प्रोसेस बने हुए। आज तक मैंने ऐसे प्रोसेस कभी नहीं देखे, क्योंकि मैंने इतने सारे गुरुओं के पास सीखा हूँ, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस सीखा हूँ, मगर ऐसे प्रोसेस मैंने आज तक नहीं देखे, ऐसे जबरदस्त प्रोसेस है। 11 मिनट अपने आप का सुबह मॉर्निंग में दीजिए उठने के बाद और देखिए आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखोगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।